गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहा है सुबह के 10 और आज मैं चाय काफ़ी लेट पी रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आज मैंने सारे काम पहले किए, उसके बाद चाय बनाई, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन और आटा भी लगाया आज मैंने। तो ये सारे काम करने के बाद मैंने चाय बनाई और अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। उसके बाद मैं नहाऊँगी आराम से 12-1 बजे। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, एटलीस्ट जितना हो पाता है, क्योंकि नीचे सुबह सुबह इतनी चेचे पेपर रहती है ना कि पढ़ाई नहीं होती। चेचे पेपर मीन्स कि मतलब बहुत ज़्यादा रश रहता है, सब लोग होते हैं घर में, बोलते हैं, बातें करते हैं, तो मैं भी बातों में बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे बातें बनाना बहुत सही लगता है। मैं तो बस, मेरे से किसी से भी बात करवा लो, मैं सबसे बातें कर लेती हूँ। तो क्या है कि मैं सुबह सुबह शुरू हो जाती हूँ बस, उसके बाद फिर मुझे याद ही नहीं रहता कि यार पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, कुछ भी याद ही नहीं रहता है। तो अभी मैंने आज से टाइम टेबल थोड़ा सा सेट किया है, अभी मैं थोड़ा ऊपर आ जाया करूँगी पढ़ाई करने के लिए। मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, हालांकि कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा बेटर है। और मैं खा रही हूँ नमकीन, वैसे मैं खाती नहीं हूँ, आज ऐसे ही खा रही हूँ, मतलब कल लेकर आई थी तो सोचा टेस्ट कर लेती हूँ। और अदरवाइज़ मैं नमकीन नहीं खाती, प्लेन चाय लेती हूँ। और हाँ, मैं जो कल राखी लाई थी ना मार्केट से, वो मैं आज शाम को दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसी राखी लेकर आई हूँ। और मैं क्या लाई थी, लड्डू गोपाल का 2-4 सामान लाई थी, वो मैं बाद में दिखाऊँगी आपको इकट्ठा, जब सारा आ जाएगा लड्डू गोपाल का, उसके बाद मैं दिखाऊँगी। आज मैं राखी दिखाऊँगी शाम को, तो मिलते हैं शाम को। मुन्ना क्या बना रहा है बेटा? समोसे बना रहा है। दिखा कैसे बनाते समोसे, आते बनाने नहीं आते? दिखा कैसे बना रहा है। ये ना तुम लोग गंदे संदे हाथ तो नहीं लगा रहे? नहीं आपकी बना। दिखा चुटकी ये देखो हमारी चुटकी समोसे बना रही है। मम्मी मैंने समोसा बना लिया। ये क्या समोसा है? ये गौरव खाएगा। हाँ, ये मैंने तो गौरव खाएगा। मम्मी देख, मेरा समोसा ठीक है। जो छुटकी ने समोसा बनाया, एक मुन्नू खाएगा, एक गौरव खाएगा। नहीं, मुन्नू खा लेगा बेटा, मुन्नू खा लेगा ना बेटा, मुन्नू खा लेगा जो छुटकी दीदी ने बनाया समोसा। क्यों? मेरे खाने पड़ेंगे मेरे हाथ के। दीदी आप छोटे छोटे बना के देंगे। अरे वाह गौरव, वेरी गुड। ए मम्मी आ गई क्या? ए खा गई क्या? ए शर्मा गई क्या? ए मार खा गई क्या? मार के खा गई क्या? कि मार खा गई क्या? मेरे चरणों में क्यों पड़ी है? आपका आशीर्वाद लेने के लिए। मेरा आशीर्वाद लेने के लिए पड़ी है? अच्छा, आशीर्वाद दे दो तो खुश रहे मेरी पुत्री। ये बन रहे हैं समोसे, दीदी बना रही है समोसे, और ये बेचारे भूखे बच्चे बैठे हैं। बेटा कितने, कितनी भूख लग रही है शुभी? अरे देखो भूखे बच्चे दो इधर बेचारे, देखो बेचारे हाथ सोच रहे आटा ही खा ले कच्चा, समोसे नहीं बन रहे। तो समोसे बन गए और सबसे पहले भूख लगेगा हमारे लड्डू गोपाल को। और देखो आज हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। आज ना इनको बाल रूप बनाया है, आज इनको बच्चा बनाया है। वैसे तो ये बच्चे ही हैं, लेकिन और इनको छोटा सा बच्चा बना दिया है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, दीदी ने सजाया है इनको। दीदी डेली इनको कुछ ना कुछ ऐसे सजाती रहते हैं पूरे सावन के महीने। और देखो इनका झूला भी कितना प्यारा है। झूला तो शायद मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ ना आपको, अभी जन्माष्टमी पर दूसरे वाले झूले पर बैठाएंगे। इनके बाद बहुत सारे झूले हैं, और अब इनके खाने के बाद फिर हम खाएंगे। और जिस दिन लड्डू गोपाल को भूख ना हो ना, फिर तो तुम लोग गए, फिर तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये है हमारी राखी, तो ये सबसे पहली राखी है जो मैंने ली थी। इसमें बीच में छोटे से प्यारे से गणेश जी हैं, और ये दूसरी राखी, और इत्तेफाक से इसमें भी गणेश जी वाली मैंने पसंद कर ली, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली। बहुत यूनिक सी लग रही थी मुझे, तो दो राखियाँ ऐसी हो गई जिनमें गणेश जी हैं। और लास्ट टाइम ऐसा था कि राखियों में पिकॉक ज़्यादा थे, इस बार गणेश जी ज़्यादा हैं। एक और राखी है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। इसका कलर कॉम्बिनेशन, जो इसमें कलर्स का यूज़ किया गया है ना, येलो ब्लू ग्रीन रेड, बहुत ही प्यारा सा जो कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने इस वाली राखी को ले लिया। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी ये वाली राखी।
और जो नेक्स्ट है वो ये है, ये वाली राखी बहुत प्यारी है, ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन में है। पता नहीं किस टाइप का डिज़ाइन है इस पर, ऐसे मतलब ऐसे चांद जैसी शेप है कुछ, लेकिन इसके पैकेजिंग बहुत प्यारी लगी मुझे, एनवलप टाइप पैकेजिंग है। यहाँ से खुल जाएगा, अभी खुल नहीं रहा है, शायद स्टेपलर लगा हुआ है। चलो आपको अब चारों राखियाँ एक साथ दिखाती हूँ, और आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सी राखी ज़्यादा अच्छी लगी। ये है चारों राखियाँ, और आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी वाली राखी सबसे ज़्यादा अच्छी है। वैसे मैं तो कोई भी बांध लूँगी, पहले सारी दीदियाँ पसंद कर लेंगी, उसके बाद जो बचेगी वो मैं बांध लूँगी आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कोई भी बांध लेती हूँ। गुन्नू ने भी गौरव भाई और गुन्नू भाई लिखवा लिया, क्योंकि हम सब लोग भाई लिख रहे थे तो उनको लग रहा था कि शायद भाई सबको लिखवाना होता है। चलो शक्लें भी दिखा दो, दूध लग रहा है मुंह पे, दिखाइए दिखाइए, दूध लग रहा है, देखो ये देखो दूध, देखो ये बड़ी वाली दीदी के मैंने लगाई है मेहंदी, कितनी अच्छी लगाई है ना। वैसे उतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बहुत कम टाइम में लगा दिया उसको। चुके हैं, मेहंदी भी लग चुकी है, मैंने मेहंदी लगाई है, भाई लिखा है, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।